नमस्कार, मैं हूं सरस सिंह, आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम्स। बता दें कि दो दिवसीय जौनपुर दौरे पर आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से उतरते ही भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, दोनों इंजन आपस में टकरा गए हैं और अब जनता की निगाहें समाजवादी पार्टी की ओर टिकी हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और वहीं बहू बेटियों की इज्जत भी अब प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजय रथ यात्रा पर बस पर सवार हुए, लेकिन जब वह सवार हुए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं विधायक भी विजय रथ यात्रा की बस पर सवार होने लगे, लेकिन विजय रथ यात्रा पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने एक विधायक को रोक लिया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने विधायक को बस के अंदर बुला लिया। आपको बता दें कि सड़कों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखने के लिए हुजूम सा उमड़ पड़ा है। आप भी चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं कि जहां तक नज़र पड़ रही है लाल टोपी एवं समाजवादी पार्टी का झंडा ही रोडों पर दिख रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने नेता को देखने के लिए ललायत सा था। पहली जो उनकी घोषणा थी वो ये थी कि किसानों की आय दोगुनी होगी। इस समय जहां महंगाई बढ़ गई है, लोगों की आमदनी कम हुई है, बचत है नहीं, तो कमाई जब नहीं बची है, और अगर हम आकलन करें तो आज सभी की आधी कमाई हो गई है और महंगाई दोगुनी है, तो जिस समय आधी कमाई होगी और महंगाई दोगुनी होगी तो खुशहाली कैसे आएगी? क्या आज के समय पर किसानों को खाद मिल रही है? डीएपी का पर्याप्त इंतजाम है? यूरिया क्या मिल पा रही है? किसान की खेती और किसान की किसानी को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कोरोना के समय पर अगर किसान ने खेत में काम न किया होता तो आपकी अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाती। पहले तो 3 कानून लाए गए, पीछे रह गया, बड़े पैमाने पे किसानों को अपमान किया गया, 700 के लगभग किसानों ने की जान गई, और अब वही सरकार के लोग जो काले कानून को तरीके तरह तरह से कहते थे उसके पक्ष में, उसके खिलाफ, और आज वही लोग पक्ष में बोल रहे हैं, और आज मजबूरी में उन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते ही उन्हें तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए, क्योंकि जनता के बीच में जो नाराजगी दिखी उसकी वजह से किसान उनके सामने खड़ा हो जाता चुनाव में, इस वजह से उन्हें कानून वापस लेने पड़े। आज बड़े पैमाने पे नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई काम हाथ में नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए गए थे जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी आए थे, क्या उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया? मुझे कोई बताया कि जौनपुर में नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए कौन सा बड़ा निवेश हुआ है, कौन सा इन्वेस्टमेंट आया? अगर कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताएं। जो बड़ी बड़ी नौकरियां निकली लगातार, कभी पेपर लीक हो गया, कभी स्थगित करनी पड़ी परीक्षाएं, ये सरकार का काम काज है। इसलिए लगातार किसानों के हित में, नौजवानों के साथ के लिए कैसे महंगाई रुके, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, इनके सांसद विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे, कई सांसद विधायकों को अपमानित होना पड़ा, आपके ही बगल में सांसद कूटे गए, तो ये तमाम चीजें जब जनप्रतिनिधियों के साथ हो रही है और जनप्रतिनिधि जनता के सामने जवाब नहीं दे पा रहे हैं।